हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में सादा ब्लाउज सिलना सिखाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आगे वाले पल्ले को लेना है, तो इसमें क्या करेंगे, पलेटे सिलेंगे। तो जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे। और बाकी जो 3 पलेटे हैं वो हमें 1/2 इंच चौड़ी से लेनी है। अगर आप लोगों को इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो हमारा दूसरा चैनल है प्रीति स्टिचिंग के नाम पर, तो उस पर हमने इसकी वीडियो अपलोड करी है, तो आप चाहें उस वीडियो को देख सकती हैं, ठीक है। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से 1 पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी कुछ इस तरह से पलेटें सिली हैं। तो अब हम यहाँ पर इस पल्ले को सीधा रखेंगे और इस वाले पल्ले में सबसे पहले बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो इसको हमें कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर निशान लगाना है। और इसको कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी को हमें कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से रख लेना है, और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में भी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 36 इंच, तो 36 को आधा करेंगे तो 18 इंच पर हमें कुछ इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे, तो सीने की चौड़ाई यहाँ पर है 40 इंच, तो 40 को आधा करेंगे तो 20 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पलेटे सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है, इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर निशान लगाएंगे,
और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई भी लगा दी है। इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हमें कुछ इस तरह से मिलाना है और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। साइड में हमें बराबर कटिंग कर देना है और इसमें हमें क्या करना है, डबल सिलाई को भी लगा लेना है, ठीक है। तो इस सिलाई को हम क्या करेंगे, निकाल भी देंगे और इसमें क्या करेंगे, गले में पाइपिंग सिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें पाइपिंग भी बना ली है। तो पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं तो इसकी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। तो आप चाहे उन वीडियो को भी देख सकती हैं। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है और इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं, ठीक है। देखिए इस तरह की। तो अब हम यहाँ पर बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाजू को उल्टी साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बाजू को सिल लिया है। इसको क्या करेंगे, ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर नापेंगे। अब जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई भी लगा दी है। इसमें हमें क्या करना है, डबल सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 6.5 इंच है, ठीक है। तो 6.5 इंच पर हमें कुछ इस तरह से निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इसमें हमें क्या करना है, तुरपाई भी कर लेना है और काज बटन भी कर लेंगे और इसमें डोरी लगा लेंगे, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से सादा ब्लाउज आप लोगों को सिलकर दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।